वो खत्म कर दिए हैं। दूसरा, सरकार जिस तरह बढ़ रही है, विपक्ष खत्म है, विपक्ष नहीं है, अब जनता को ही विपक्ष की भूमिका निभानी पड़ेगी। और सरकार जो काम कर रही है आपको किसी का भी नहीं छोड़ेगी अगर अभी भी आप सोते रहिए। अगर आपने अपनी नींद से नहीं जागे और जो डर तथाकथित डर है आपके बीच में, किसी की कोई भी डर सकता, किस बात से डरते हैं, मैं नहीं समझता। बाबा साहब से भयानक परिस्थितियां हैं क्या जो उस समय बाबा साहब के सामने थे, तो कभी नहीं डरे। मेरा मानना यह है कि कौन वो ईमानदार लोग हैं जो पूरी ईमानदारी से इस काम को आगे बढ़ाए, और अपने जैसे ईमानदार साथियों को जोड़ के इस काम को अंजाम दें, क्योंकि पता नहीं लग पाता, पता बहुत देर में लग पाती है कि इस चीज के पीछे हमारी नीयत क्या है, एकदम नहीं पता लग पाती। हो सकता है जैसे कुछ साथी बोल के गए, अभी सुझाव भी देखेंगे कि मेरे घर पे आओ सब खाना खाओ, हो सकता है खाना खाने जाए बीच दिए जाए, क्या पता, कुछ भी हो सकता है। सो जरूर इसको अमल में लाया जाए, मेरी ऐसी भावना भी है, मेरा सही हो गया। दूसरा सुझाव मेरा यह है कि कुछ चीजें हैं जो हमें अभी करनी पड़ेगी, जिन पे सबसे ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि आपातकाल है मेरी नजर, और कुछ लॉन्ग टर्म पॉलिसी होनी चाहिए जो, क्योंकि उनमें समय लगेगा और हमें उस हिसाब से चलना चाहिए, उसकी रणनीति बना के चलनी चाहिए। समस्याएं तो बहुत, दो चार शब्दों में कहें तो बहुत सीधी सीधी है। समाज में अशिक्षा का बहुत बुरा, शिक्षा नाम की चीज रही है, और ये सरकार, इसने तो बेड़ा गर्क कर दिया शिक्षा का, कुछ छोड़ा नहीं है। और अगर शिक्षा ही नहीं है तो फिर बाकी सारी चीजों का कोई मतलब नहीं है, हमारे मतलब प्रकाश के रास्ते ही सारे बंद हो गए, तो आप कहीं भी भागे अंधेरे में भाग रहे हैं। और यही वही काम कर रही है सरकार कि आपको किसी तरह से ज्ञान मिल जाए, जैसे पहले होता था ना कि वेद का शब्द कान में पड़े तो पिघला हुआ शीशा डाल दो, शब्द उच्चारण करो तो जीव काटो, वही सारी स्थिति बनाई जा रही है। तो शिक्षा पे ध्यान हमें देना चाहिए, अपने शिक्षा संस्थान निश्चित रूप से खोलने चाहिए, और जितने समाज में आज इतने साथी तो हैं, सब लोग मिलकर अगर सहयोग करेंगे तो शुरुआत तो कहीं ना कहीं से हम लोग कर ही सकते हैं। दूसरा, समाज में गरीबी है, बहुत भयानक रूप से गरीबी है। अगर मैं कहूं तो करीब 2012 के आसपास एक रिपोर्ट, भाई साहब बिलोटिया जी उससे सहमत होंगे, मनमोहन सिंह साहब की सरकार ने एक पार्लियामेंट रिपोर्ट थी, 80-85% अनुसूचित जाति और जनजाति समाज, उसके पास दो वक्त की रोटी नहीं है और शिक्षा नहीं है, ये हकीकत है हमारी। तो ये हमारी बहुत बड़ी समस्या है, और सुरक्षा वाकई में बहुत बड़ी समस्या है। आए दिन ऐसा कोई दिन नहीं जाता जिस दिन हमारी बहन बेटियों के साथ बदतमीजी ना हो, हमारे समाज के साथ बदतमीजी ना हो, चाहे वो नौकरी में हो, चाहे वो किसी और जगह हो, गांव में हो, शहर में, बदतमीजियां हर जगह बढ़ती चली जा रही है। ये हमारी समस्याएं हैं जो होना चाहिए, लेकिन अब दिक्कत यह है कि लॉन्ग टर्म पॉलिसी बने, संसद बढ़िया बने, और उसकी शाखाएं हम हर राज्य में बने, डिस्ट्रिक्ट लेवल तक तो कम से कम पहुंचनी चाहिए, इतनी बढ़िया बने। नेताओं को हम चाहे जो भी कह रहे हैं, पर वो कुछ नहीं करेंगे जब तक समाज एक जगह इकट्ठा नहीं होगा। आपके पास कोई ताकत नहीं है आप नेताओं को इस बात के लिए बाध्य कर सको कि वो आपकी बात माने, समाज के लिए काम करें, क्योंकि वो तो सीधा कहता है जिस पार्टी से, उस पार्टी की वोटों से जीत के आया हूं, मैं आपकी वोटों से जीत के नहीं आया। वो तभी मानेगा जब उससे पता है समाज का एक बड़ा ग्रुप बन गया है, एक संगठन बन गया है, समाज इकट्ठा है, और वो अब कुछ भी कर सकता है, इधर से उधर करने की उसकी ताकत है। तो वो ताकत हमें बनानी पड़ेगी, अगर संसद ये काम कर दे, भीम संसद, तो बहुत ही अच्छी बात है। दूसरा, अब जो स्थिति है, मैं समझता हूं आपातकाल, जो मैंने पहले कहा वो आपातकाल है, आप कुछ भी कर लो, आज अधिकारियों की जरूरत नहीं, लोक सेवा आयोग जो है उसे खत्म कर दिया गया है, 400 लोगों की भर्ती जॉइंट सेक्रेटरी लेवल पे ये सरकार सीधे सीधे भर्ती कर रही है, यानी जो तकरीबन 15-20 साल की सर्विस करने के बाद एक व्यक्ति मौत तक पहुंचता जॉइंट सेक्रेटरी लेवल तक, वहां से ये सीधे भर्ती कर रही है अलग अलग विभाग से लाके, तो आप की नौकरी कर भी लेंगे तो क्या करें, कुछ भी नहीं रहा। वैसे भी पिछले साल की अगर देखें तो 12 से 13 के मुकाबले तकरीबन 750
आईएएस और क्लासवन की जो सर्विसेज है उनकी पोस्ट कर दी 750। वो पहले निकलती थी 1200 से 1300 से 1400 तक भी निकलती थी, वो खत्म कर दिए हैं। दूसरा, सरकार जिस तरह बढ़ रही है, विपक्ष खत्म है, विपक्ष नहीं है, अब जनता को ही विपक्ष की भूमिका निभानी पड़ेगी। और सरकार जो काम कर रही है आपको किसी का भी नहीं छोड़ेगी अगर अभी भी आप सोते रहिए। अगर आपने अपनी नींद से नहीं जाने, और जो डर तथाकथित डर है आपके बीच में, किसी की कोई भी डर सकता, किस बात से डरते हैं, नहीं समझता। बाबा साहब से भयानक परिस्थितियां हैं क्या जो उस समय बाबा साहब के सामने थे, तो कभी नहीं डरे। लेकिन हम क्यों डर रहे हैं हमें समझ नहीं आ रहा। मैं तो खूब धड़ल से बोल रहा हूं, मैं तो उसे चौकीदार बोलता हूं, 56 इंची चौकीदार बोलता हूं, क्या करेगा, ज्यादा ज्यादा मार देगा ना, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। मैं सदा जिंदा रहने वाला तो नहीं हूं, एक दिन तो मौत आनी हो सकता है उसी दिन। सो ये डर हमें अपने बीच से निकालना पड़ेगा। और समाज के जो अच्छे साथी जहां भी आंदोलन कर रहे हैं उनका सम्मान करते हुए उनको साथ लेना पड़ेगा। इसलिए मेरा मानना यह है कि जो इस समय वर्तमान जो आपातकाल चल रहा उस पर ज्यादा ध्यान दें। और वो ये है, अब परसों इलेक्शन है हरियाणा में, महाराष्ट्र में, जितने भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो सब बिल्कुल बेकार हैं, किसी काम के नहीं है, कोई भी ईवीएम पर सवाल नहीं उठा रहा। और बड़े भाई साहब यहां बैठे हैं निलोटिया जी, वो भी जानते हैं ईवीएम के अलावा बीजेपी सरकार के पास कुछ नहीं है। जो कहता है ना, मैंने तो एक वीडियो में भी कहा भी है कि अगर विपक्ष में हिम्मत है तो 370 को और उसको वापिस लेके आए उसको जो है। और मैंने कहा कि अगर आप ऐसा मानते हैं तो चौकीदार जो ईवीएम को छोड़ के अगर उनके गुर्दे में दम है तो बैलेट पेपर से चुनाव करा के देखा, जब देखेंगे तेरे में कितना दम है। तो ये जो चीज है ना, हमें हर सूरत में, मैं नहीं जानता हम लोग विरोध कर रहे हैं लगातार, नहीं जानते कितने सफल होंगे, पर एक बात पक्की है और उसमें मैं आप सबका, जो भी हमारे भाई हैं बुजुर्ग, आप सबका, सारी चीजों को साथ में छोड़कर एक साइड में छोड़ते हो, आपका साथ चाहिए कि कहीं हो जाए लेकिन हम दिल्ली में तो इतने मजबूत है कि दिल्ली में चुनाव ईवीएम से होने लगेंगे, चाहे जो हमें साथ में निकलना पड़े, इसके लिए हम लगातार कोशिश कर रहे हैं, उसमें हम सबका साथ में चाहिए। अगर हम इसे रोक पाए तो आगे की सारी चीजें ठीक कर पाए, अगर इसे नहीं रोक पाए तो मुझे नहीं लगता कि हम कुछ करने के काबिल रह पाए। मेरा मानना है अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।